नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनराइज IT एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार Google Sheet का जो डेटा है उसको वेब ऐप स्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे फेच किया जाता है वेब ऐप पेज पे। जैसे यहाँ पे Google Sheet में जो ये डेटा ऑलरेडी टाइप हो रखा है, जैसे मैं यहाँ रोल नंबर 102 टाइप करूँगा, 102, देन सर्च डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो रोल नंबर 102 है उसका डेटा फेच होकर ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसी प्रकार मैं जैसे रोल नंबर 115 का मैंने यहाँ पर टाइप किया 115, देन सर्च पे क्लिक किया तो 115 का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच होकर आ चुका है। तो इस प्रकार का वे ऐप किस स्क्रिप्ट ऐप कैसे बनाया जाता है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू टैब ओपन करें। न्यू टैब में अपना ड्राइव, जो जीमेल का जो ड्राइव है, जीमेल ओपन करें। जीमेल में अपना जो ड्राइव है उसको ओपन करें और ड्राइव में जैसे आपने जो डेटा सेव कर रखा है जिस गूगल शीट में उसको ओपन करें। जैसे मैंने प्रेजेंट में ये मैंने शीट ओपन की है, प्रैक्टिकल लार्क डेटा। अब ये सीट ओपन करी है, इसके बाद यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करें, देन ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करें। ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक नई टैब ओपन होगी। इसके बाद जीमेल ड्राइव क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारा जो ब्लॉग है वो ओपन करें, जो जिसका कि URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद अब इस आप जो स्क्रिप्ट ओपन की इसका आप इसमें जो नेम आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं लार्ग डेटा फेच नाम मैंने टाइप किया, देन क्लिक किया तो यहाँ कोड और JS की फाइल ऑटोमेटिक बन चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डाउनलोड कोड और JS फाइल डाउनलोड पे क्लिक करें और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसे क्लिक करें जिससे कि ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ये सेव हो चुकी है, इसको ओपन करें और यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट ऑल और कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। सेव कर दें, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ HTML पर क्लिक करें और यहाँ टाइप करें index.html टाइप करें और हमारा जो ब्लॉग है वहाँ पर ये index.html की फाइल है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करें, जैसे कि फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से राइट हैंड की प्रेस करें, देन सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें और यहाँ से इसको कॉपी कर लें और इसको जो इंडेक्स वाली है इसको यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और देव, देन सेव पे क्लिक करें। इसके बाद code.js फाइल पर क्लिक करें और अब हमें जो हमारी गूगल शीट है उसका URL यहाँ पे 22 रो जो रो नंबर है यहाँ पर टाइप करना है ID। तो हमारी जो गूगल शीट है उसकी ID यहाँ से DK की जो आगे हैं और एडिट से जो पहले हैं इसको यहाँ से हमें कॉपी करना है। इसे कॉपी पे क्लिक किया और हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन सेव पे क्लिक करें और यहाँ पर लिखा हुआ है शीट नेम डेटा। तो अब आप यहाँ पर जो शीट है इसका नाम डेटा चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डेटा, तो यहाँ शीट नेम मैंने चेंज कर दिया। अब इसके बाद index.html पर क्लिक करें, अब आप चाहते हैं जैसे यहाँ पर नेम फादर नेम और विलेज नेम यहाँ पर प्रिंट हो, इसके लिए हमें
code.js वाली फाइल पे क्लिक करें और यहाँ एप जीरो या जो सर्च करना है उसको जीरो पे करना है। जिसे यहाँ पे मैंने एक रो इंसर्ट की और यहाँ पे मैंने जीरो टाइप किया, 0 1 2 3। अब ये जीरो जो है जिसमें जो सर्च करना है उसको जीरो वाली आएगा यहाँ पे, तो जीरो कर दिया। देन हमें आउटपुट में 1 और 2 यहाँ पे चाहिए, तो 1 और 2, और जिसे 3 भी चाहिए तो हम 3 भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोमल गया F3 और कोष्ठक बंद कर दिया। देन सेव पे क्लिक किया। देन इसके बाद index.html पे क्लिक करें और यहाँ पर जो रो नंबर आ रही है 93। अब यहाँ पर हमें हेडर, इसका जो हेडर है वो यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं इसको सबसे पहले डिप्लॉय पे क्लिक किया, देन न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट वेब ऐप पे क्लिक करें और यहाँ से एनीवन सिलेक्ट करें, देन डिप्लॉय पे क्लिक करें। देन ऑथराइज एक्सेस पे क्लिक करें। देन यहाँ से आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है। देन एडवांस पे क्लिक करें। देन गो टू लॉग डेटा अनसेव पे क्लिक करें। देन अलाउ पे क्लिक करें। यहाँ पे एक यूआरएल अब बन चुका है, इस पे क्लिक किया मैंने। अब जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर 101 टाइप किया, देन सर्च रिजल्ट पे क्लिक किया, तो रिजल्ट नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। अब हमें सबसे पहले जो हमारी जो फाइल है इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे क्या है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट में डाटा सेव नहीं है। इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पर पेन टेक्स्ट पर क्लिक किया, तो ये जो जो सारा डाटा है वो हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 100 रोल नंबर 101, देन सर्च रिजल्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर जो रोल नंबर 1 है उसका डाटा आ चुका है, लेकिन यहाँ जो हेडर है वो ऊपर नहीं आ रहा है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करें, देन इंडेक्स वाली फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर जो 93 रोल नंबर रो है यहाँ पर क्लिक करें और हमें जैसे 1 है तो 1 का हमें यहाँ से नेम में हमने कॉपी किया या हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें फादर नेम हमने यहाँ से कॉपी किया या हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, देन एंटर टाइप किया, देन यहाँ पेस्ट कर दिया और हमने यहाँ से विलेज का नाम यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया। देन सेव पे क्लिक किया, देन डिप्लॉय, देन टेस्ट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक किया, देन इस यूआरएल पे क्लिक किया। तो अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर रोल नंबर में टाइप किया 101, देन सर्च रिजल्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हेडर आ चुका है यहाँ पर ऑटोमेटिकली। अब चाहते हैं जिस स्टूडेंट रिजल्ट है इसका जो लोगो है इसको चेंज करना है हमें, तो हमें इसके लिए हमें इंडेक्स वाली जो फाइल है जो ओपन कर रखी है इसके ऊपर मूव करें इसको, और यहाँ से जो यूआरएल है वाला है ये 24, यहाँ से आप इसका लोगो चेंज कर सकते हैं। जैसे यूआरएल हमारा ये वाला है, अब जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ से, देन सेव किया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये जो यहाँ का लोगो है यह ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट रिजल्ट है इसको आप रिमूव करना चाहते हैं या फिर, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया या ना यहाँ पे फाइंड किया, देन पेस्ट, तो स्टूडेंट रिजल्ट है। अब यहाँ हमें इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ गूगल शीट डाटा सर्च, देन सेव पे क्लिक किया। अब मैं इसको जैसे रिप्लेस करूँगा तो ये स्टूडेंट रिजल्ट यहाँ से ये चेंज हो चुका है। और जैसे हम चाहते हैं इसमें कि नेम से भी डाटा सर्च हो, तो इसके लिए अब हमें जो कोड वाली फाइल है इसमें 29 की रो नंबर है यहाँ पर जाएं और यहाँ पे कोमा टाइप करें, देन एफ कोष्टक 1, देन कोष्टक क्लोज, देन शेप पे क्लिक किया। तो अब जो एफ 1 है यानी 1 वाला जो है
ये वाला, अब इसे भी आप सर्च कर सकते हैं डाटा। जैसे मैं इस पर रिफ्रेश किया, अब जैसे मैं यहाँ से इसका जो नाम है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पेस्ट कर दिया, देन सर्च रिजल्ट पे क्लिक किया, तो जैसे नंदा वाला है जो ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे फेच होके आ चुका है। तो इस प्रकार आप जो गूगल शीट का जो डाटा है, जो लार्ज डाटा है, बहुत सारा डाटा होता है, जैसे 10-20-30 हज़ार जो डाटा होता है, उसको इस जो मेथड है इसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।